हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो फाइनली आज भी भाई मेरा पेपर है और आज जो है एजुकेशन का पेपर है, तो फाइनली फटाफट उठ गए हम लोग, ब्रश वगैरह करते हैं, नहाते हैं और फिर चलते हैं। आशीष को बुलाएंगे और फिर चलेंगे कॉलेज। फिलहाल तो अभी सब सो रहे हैं, देख सकते हो विक्की सो रहा है, सूरज सो रहा है, भैया भी सो रहा है, मैं यहाँ पर सो रहा था। मैंने अपना बिस्तर यहाँ पर उठा के रख दिया है। रात को बहुत ठंड लगती है भाई, देखो इतना मोटा मोटा ये ओढ़ कर सोते हैं हम लोग, ये देखो। सो फाइनली कोई नहीं, एसी बंद कर दिया है, रात को ही थोड़ी देर पहले ही बंद करा, अभी मतलब भाई बिल्कुल चिल्ड हो रहा है कमरा। अरे गेट के पास से हट जाओ, पूरी जगह छोड़ के यहीं सोता है। फाइनली बाइक अपनी खड़ी है, तो चलते हैं ऊपर और ब्रश वगैरह करते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमने नहावा लिया है, ठीक है, और ब्रश वगैरह सब कर लिया था, तो अभी चलते हैं चाय पीने, बिकॉज चाय बन चुका है और हमें कॉलेज के लिए भी निकलना है। तो चाय और समोसा खाएंगे, क्योंकि रात को समोसे बने थे तो काफ़ी सारे बच गए हैं, देख सकते हो इतने सारे समोसे कल रात के, हैं भाई बहुत सारे बने थे, बहुत सारे खाए भी और बच भी गए। अब चाय के साथ खा के जाऊँगा मैं, उससे पहले मैंने नींबू पानी पिया। तो फटाफट चलते हैं, चाय अपनी रेडी है, ला फिर भी तीन चार खा ही लेता हूँ, लगेगी कम से कम जल्दी। अभी इन दोनों कैसे साथ में ले जाऊँ, ये ठीक है, चलो चलो पंखा चला लिया। तो फाइनली चाय पीते हैं फटाफट, क्योंकि 7:30 होने वाले हैं, हमें वहाँ पर पहुँचना भी है भाई, ठीक है। तो चाय पी के फटाफट चलते हैं, आशीष को फ़ोन करते हैं, उसे बुलाएंगे, फिर उसको साथ में ले चलेंगे, बिकॉज वो भी रेडी हो गया होगा, ठीक है भाई। तो चलिए चाय फटाफट पी लेते हैं। और बताएं भाई, मेरे मुंह पे ना ये दाना सा निकल रहा है, पिंपल जो कहते हैं ना, तो उससे ना मेरा मुंह भी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सूज रहा है, तो उसका इलाज भी कराना मुझे यार, बहुत पिंपल्स निकलते हैं पता नहीं कैसे यार। तो कोई नहीं, अभी फ़िलहाल तो हम इसको खावा लेते हैं, पिंपल को बाद में देखेंगे। भाई चाय वाय पी ली हमने और मैं ऊपर वाले कमरे में आ चुका हूँ, आप लोगों को पता चल भी गया होगा कि मैं। तो दोस्तों दोबारा मंदिर के पास आ चुके हैं, जैसे कि माता रानी हमारे ऊपर कृपा बनाए रखे और जिससे यम पेपर अच्छा करे। घटना कौन है ये गेट पे, तू अब तक यहीं पे सो रहा है मोटे, ये पूरी जगह छोड़ के इतनी लंबी, ये गेट पे सोना तो जरूरी है, पता? अबे तू क्या सो रहा, चल उठ उठ तो उठ भी जा, मैं क्यों करूं लाइट बंद, लाइट पहले से जल रहा है, खुद बंद कर ले, अभी सुलवा दूं, 8 बज रहे हैं, पता भी है कुछ है? तो फाइनली बाइक वाइक निकालते हैं और चलते हैं आशीष के पास। भाई हम आशीष के घर पे आ चुके हैं, देख सकते हो आशीष वो खड़ा वहाँ पर किचन, एलेक्सा आ जा, एलेक्सा अरे क्या हूँ क्या हूँ, इधर आ जा, हाथ पे आ जा, आ जा 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 एलेक्सा आ जा, अरे क्या हूँ क्या हूँ, आई नहीं यार ये तो, क्या हूँ क्या हूँ कर रही है, बस खो गई गेट के पीछे खो गई। आज कौन से चने खिलाएगा, फूले हुए? डेली फूले खिलाता हूँ। एलेक्सा आ जा, ये रास्ते में भाग रही है, आ गई, कितने प्यार से आती है। एलेक्सा घूमने चले, एलेक्सा कह रही हाँ अभी कॉलेज जा रहा हूँ, कॉलेज के बाद जाएंगे ना फिर घूमेंगे, ठीक है एलेक्सा, हाँ ठीक है चल खिला दे भाई, आ जा चल जाओ उधर जाओ उधर जाओ हाथ पे, हाँ ये बात बैठ जा, जल्दी जल्दी खिला दे यार फिर चल ले, अबे तू तो यहीं सो जाए कर, यहीं पे सोता हूँ मैं, ठीक बता, हाँ चल सही है, सो नहीं पाएगा तो यहाँ पे, हाँ क्यों नहीं सो पाऊँगा भाई, ठंडा इतना हो जाता है ना रात में एक टाइम पे, एसी भी ठंडा इतना भी नहीं, पर हाँ तो बस, तो फिर मैं जब एसी में सो जाता हूँ तो ये कौन सी बड़ी बात है, तो मुझे भाई रजाई ओढ़नी पड़ जाती है, हाँ चल सही है।
तो फाइनली एलेक्सा को खाना खिला दिया और एलेक्सा को हम बाय करते हैं। एलेक्सा बाय, एलेक्सा बाय, ठीक है बाय भाई, चलो अब मिलेंगे एलेक्सा कल परसों, ठीक है भाई। लड्डू गोपाल निवास, अब यही पेन तो मेरे पास है यार, तू यही पेन क्यों लिया है? चल ठीक है, दो दो चलेगा, ले रख दे इसे एलेक्सा को, ले जा, ले जा एलेक्सा को, अब मिलेंगे कल परसों जब भी दोबारा पेपर देने जाएंगे। जा, अंदर जा। चलो अभी बेचारी देखिए गेट पा जाएगी यार, अबे छोड़ यार लेट हो रहे, जल्दी चल जा। ये मेरी आंसर शीट है, क्लासरूम और हेयर एज है। स्कूल तो बड़ा मस्त है यार, कॉलेज है, मिलते थोड़ी देर में पेपर देके। पहला अध्यक्ष मेरा ही है यार, अंजन अंजन। तो फाइनली गाइस हमारा जो पेपर है वो हो चुका है और आज मैं जो है इंट्रो चलते चलते शूट कर रहा हूँ, बस थोड़ा अच्छा लगेगा। पर आज इसको देखो कैसे छुप रहा है भाई, आज ये सोया भी नहीं है, आज ये पार्क में घूमने चला गया। यहाँ पर ना कोई पार्क वगैरह है मुझे तो पता नहीं, मस्त पार्क है, कह रहा मैं पैदल पैदल घूमने चला गया पार्क में और फिर वहाँ से ये वापस आया। तो फिर मैं बाहर निकला तो भाई देखो पेपर देकर घर ही जा रहे हैं, बिल्कुल अभी कॉलेज से निकला ही हूँ मैं, ठीक है। और ये देखो वैन वाले भाई ने क्या कर लिया है, रुक जाओ भाई रुक जाओ। तो भाई देखा कि वैन वाले भाई बीच में आ गए थे, मैंने रोकने के इशारा करा, उन्होंने रोक दिया। तो फाइनली अब घर चलते हैं, जल्दी ही घर पे मिलते हैं, भूख भी लगी है बहुत तेज। मैं तो समोसे खा के आया था भाई, पांच समोसे खाए थे मैंने घर पे, और आशीष ने कुछ ही नहीं खाया, आशीष तो भूखा है घर पे, कुछ खा के आया है। सत्तू पी के आया था भाई, ये भाई सत्तू पी आता, चने का सत्तू होता, मस्त लगता वो, पेट भर के रखता हल्का हल्का। तो चने का सत्तू उसमें काला सेंधा नमक और फिर नींबू गाड़ के, ओए होए होए मजा आया ट्राई करके देखना। तो फाइनली घर चलते हैं और घर पे मिलेंगे, क्योंकि बैटरी ना हर बार भाई आशीष ने जो है ना भाई बैटरी की ऐसी तैसी कर देता है मेरे, भाई मेरी गलती है। हाँ बस फिर वही है, तो भाई हेलमेट वगैरह लगा लेते हैं और फिर सीधा घर पर ही मिलेंगे, ठीक है। बीच में अगर कुछ दिखाना होगा दिखा देंगे, वरना घर पर मिलते हैं क्योंकि बैटरी बहुत कम है। फाइनली गाइज अभी जो है शाम के 4 बज रहे हैं और मैं 2 बजे करीब आ गया था, और 2 बजे से हम लोग ना, मैं गौरव के साथ गया, फिर गौरव के साथ आया, फिर थोड़ी देर बाद हमने मूवी देखा यहाँ पर, अर्ध मूवी आज रिलीज हुई है, किसकी थी भूल गया एक्टर का नाम, हाँ राजपाल यादव, राजपाल यादव की अर्ध मूवी रिलीज हमने देख भी ली, अर्ध राजपाल यादव की मस्त मूवी थी भाई, 1.5 घंटे की मूवी थी, मस्त हाँ वही तो आज रिलीज हुई है, आज देख ली, देख ले टीवी पे, वो भी फुल HD में बढ़िया क्वालिटी में, मस्त मूवी थी। तो देख ले तू, अब मैं तो जा रहा हूँ, अब ऊपर खाना खा ले तो थोड़ा, चलो खाना खा के आते हैं, मतलब यहीं लेकर आता हूँ खाना, तो थोड़ा सो खाना खाऊंगा, थोड़ा सो चल।
खाना वाना है? सूरज खत्म हो गया। अजी क्या बना? आलू गोभी की सब्जी। देखा मैंने खुशबू से ही बता दिया आलू गोभी की सब्जी बनी है। तो चलिए दोस्तों, आज है नेक्स्ट डे और फाइनली अभी जस्ट मैं ट्यूशन से आया थोड़ी देर पहले ही, और अभी सब लोग बैठे हुए देख सकते हो, अभी सब अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, कोई गाना लॉन्च कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। देखिए वहाँ पर एडिटिंग कर रहा है अपने ब्लॉग की, और तुम्हारा भाई यहाँ पर आराम से बैठा हुआ है बीन बैग के ऊपर, प्लस फ़ोन कवर निकाल के, क्योंकि फ़ोन कवर लगाता हूँ ना तो यार फ्लैश ना ढंग से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता और अच्छे से दिख नहीं पाता, इसलिए फ़ोन का कवर निकाल दिया मैंने। और हमारा बीन बैग भी ख़राब हो गया भाई, ये देखो पसर गया है पूरा अंडे की तरह। भाई बीन बैग होता चल भाई, पिन बैग पता कुछ है नहीं है। तो भाई फाइनली हमारा जो है कल पेपर है दोबारा, और आज जो है पढ़ना है, आज आज का टाइम है हमारे पास, कल दोबारा पेपर देने जाना है। तो देखते हैं आज थोड़े बहुत पढ़ लेते हैं। और यहाँ पर मम्मी सफाई वफाई कर रही है, खाना बन चुका है, थोड़ी देर बाद खाना खाऊंगा और फिर पढ़ने बैठूंगा आराम से। और खाने में क्या बना है? दाल चावल बनाए क्या? तो भाई ये मिर्चें भूत दी हैं नमक में डाल के, खांसी उठ रही है। इसमें भुजिया है, दाल एंड चावल। तो भाई थोड़ी देर बाद पढ़ने बैठेंगे, ठीक है? जैसे कि मैंने बोला कि कल पेपर है, तो बस आज पढ़ना ही पढ़ना है भाई, और कुछ नहीं करना मुझे, कल पेपर देने जाना बस। तो भाई अभी जो है लाइट भग चुकी है, अभी सब लोग बाहर आ गए थोड़ी देर पहले, मतलब 5 मिनट पहले जस्ट भगी है। हम लोग टीवी देख रहे थे बैठकर, सोचा थोड़ी देर बाद पढ़ूंगा, पर अब तो लाइट ही भग गई। तो अभी तो फिलहाल हम सब बाहर आ गए, सब बैठे हुए, विक्की विक्की बैठा है, यहाँ बेटी बैठी है, किसका बैठा है, ये क्या नाम है इसका, मनीष है, और गली के बालक बहुत सारे घूम रहे हैं यहाँ पर। तो लाइट आते ही पढ़ाई स्टार्ट करेंगे अब, क्योंकि आज लड़कियों का पेपर है, लड़कियों का पेपर है, तो आज इनका क्वेश्चन पेपर आया है ना, तो उसी में से देख के थोड़ा बहुत पढ़ूंगा। भाई अभी ये मनीष लेकर आया है मैजिक एंगल, एक ट्राइंगल्स आता है ना वो बड़े बड़े पैकेट में, उसकी कॉपी है, पर भाई कसम से उससे भी ज़्यादा टेस्टी है भाई ये, सही में भाई। और 1 रुपये की मिलती है देखो, मात्र 1 रुपये की, तो क्या गजब चीज़ है यार ये 1 रुपये में, तो यार बहुत गजब चीज़ है सही में। तो दोस्तों अभी देख सकते हो मैं ना पढ़ ही रहा था सुबह से, थोड़ा बहुत पढ़ ही रहा हूँ भाई। ये पॉलिटिकल साइंस का मेरा कल पेपर है, ठीक है? और ये इतने से पन्ने पढ़ने हैं, इतने से नहीं है, मतलब और भी पढ़ने हैं। पढ़ाई की कोई क्षमता नहीं है भाई कि कितनी पढ़ाई करी जा सकती है, मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो देख कहते हैं ना वो ये वो है। तो अभी फिलहाल आशीष यहीं बैठा हुआ है घर पे ही, और अभी देखो हमने एसी को खोल दिया भाई, बिकॉज एसी में ना एक दिक्कत आ रही थी, आशीष पहले लगा के रखियो, यहाँ पर ना एक दिक्कत आ रही थी, यहाँ पर जालियाँ होती हैं इसमें है ना, वो जाली होती है, तो वो ना भाई इस पर बहुत मट्टी जम रही थी, विक की सफाई कर रहा हूँ, ऊपर जाकर भी जाली लेकर आएगा तो दिखाऊंगा आपको। और भाई ये कूलिंग कर रहा था, तो मतलब कूलिंग ना बहुत कम कर, मतलब कूलिंग तो सही कर रहा था, मतलब रात में ना आवाज़ सी आ रही थी ऐसा लग रहा था कुछ, तो धूल की वजह से शायद आ रही हो, तो हमने कंप्लेन भी करी है, वैसे सफाई तो कर देते हैं खुद से। और ये खुल जाता है देखो भाई, ऐसे ये ऐसे बंद हो जाते हैं और ऐसे खुल जाता है ऊपर, तो बढ़िया है जो भी है, बस इतने पे रहा है। तो बस ठीक है भाई, एसी ख़राब नहीं हुआ पर ठीक है। तो चलो सफाई वफाई कर लें दो, इतने में मैं भी थोड़ा पढ़ लूँगा, फिर खाना वाना खाने का समय होगा। और अभी तो भाई सिद्धू मूसेवाले भाई का आज जन्मदिन है, हमारे बीच में तो नहीं है, बट शायद सूरज और गली के कुछ बच्चे मिलकर उनका जन्मदिन मना रहे हैं, जो कि अपने श्रद्धा अपने दिल से मना रहे हैं। तो देखेंगे अगर मनाएंगे तो हम भी उसमें सेलिब्रेशन करेंगे और आपको व्लॉग में ज़रूर दिखाएंगे, व्लॉग में एंड तक बने रहना। ले भाई पहले अपनी चड्डी ले ले। तो भाई फाइनली विक्की ने जाली लगा दी, देख सकते हो जाली लग गई है यहाँ पर, ये जाली है। तो भाई इतनी गंदगी जम रही थी ना, मैं उस टाइम दिखा नहीं पाया, मैं बैठ के पढ़ रहा था, इतने में इतने कार्यक्रम कर दिया, पर भाई बहुत गंदगी थी सही में। अब विक्की अब भी साफ कर रहा है, और संदीप भाई हाँ कर दी, हाँ बहुत ढूंढते यार सही में। तो चलो देखते हैं अब सही काम करेगा या नहीं करेगा। दोस्तों फाइनली यहाँ देख सकते हो सिद्धू मूसेवाले भाई का केक आ चुका है, क्योंकि सूरज ने मिलके और बिट्टी ने मिलके और विक्की और सोनू भाई ने मनीष ने सबके दान से, हाँ मतलब वही से चंदे से भाई सिद्धू मूसेवाले भाई का बर्थडे मनाया जा रहा है, और फाइनली वहाँ पर गाना चल रहा है। हट जा दिल में बस भाई, दिल में जब बंदा चला जाता है ना, जब भी उसकी वैल्यू बढ़ती है, तो देखा है मैंने। चलो कोई नहीं, नहीं बढ़िया सिंगर था भाई, क्या बात कर रहा है, आ गई बढ़िया छोटा भाई, आ गया बदल के दिखाई, आयुष क्या हुआ था, बुखार आ गया तेरे को? चल कोई नहीं, काटो भाई काटो काटो काटो, कुछ अच्छा बना लिया सिद्धू भाई का केक, काटो भाई जल्दी,
तू धुपक क्यों रहा है मेरे ब्लॉग में? आ गया सिद्धू भाई का लास्ट गाना। तो दोस्तों फाइनली हमारा जो बर्थडे बर्थडे मनाना था सब मना लिया है और खाना वाना खा लिया मैंने। देखिए यहाँ पर पोछा लगा रहा है क्योंकि बर्थडे मनाया था तो काफी सारा केक गिर गया था थोड़ा बहुत, तो वहाँ पे पोछा वोछा लगा रहा है वो। और यहाँ पर सूरज खाना खा रहा है, पापा जी लेटे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, सूर्यवंशी में फिल्म देख रहे हैं टीवी में सूर्यवंशी। तो चलिए इस ब्लॉग से फिलहाल अलविदा लेता हूँ। होप कि आप लोगों को आज के ब्लॉग में मजा आएगा, अगर मजा आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय।